All right, welcome back to my channel, Indian Echo Boy, back with a new video. Say hi to Yogesh. Hi, बोल दे. Hi. So, आज के वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा तो हम लोग आज इसका बड़े चीप वे में इसका इनक्लोजर बनाने जा रहे हैं. पीछे आप जो देख रहे हो वो तो ऑलरेडी है बट देन स्टिल मैं सोच रहा हूँ उसको जितनी वेंटिलेशन और जितनी नेचुरल सनलाइट मिलेगी बिकॉज वहाँ पर पासिंग लाइट सब कुछ है बट स्टिल आई एम फीलिंग कि वो बाहर जितना रहेगा जितना सनलाइट में रहेगा उसका कलरेशन कटाइजेशन काफी अच्छा होगा उसको नेचुरल बास्किंग मिलेगी. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. तो आज का वीडियो वही है तो चलिए जल्दी से एक हम इसका इनक्लोजर बनाने की कोशिश करते हैं इन ए वेरी चीप वे. और जो इसका नेट वेट है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा. बाय द वे अगर वो नेट आप लेना चाहते हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो चलिए जल्दी से वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और इसके लिए एक बाहर एक मतलब इसके अलावा एक और इनक्लोजर बना रहे हैं ताकि ये आराम से मस्त धूप में रहा करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज ये बालकनी ये वाला नेट है जो हम पूरा यूज़ करेंगे एंड देन दिस एरिया इस एरिया में मैं यूजली इसको इसके ऊपर बैठा देता था एक मतलब नेट लगा के छोटा लेकिन अब मैं इतने से एरिया को कवर करूँगा और हम इसमें बनाएंगे इसका इनक्लोज़र यहाँ पे. गाइज मेरी और योगेश की हो गई है हालत ख़राब उससे ज़्यादा. बी केयरफुल क्योंकि जब भी इसके काटते हैं तो यहाँ पर काफ़ी एजी वो आ जाते हैं. दोनों लोग छिल गए हैं हाथ दोनों की. ये देखिए वाइट वाइट हो गया. वाइट पूरा छिल जाता है. बाकी योगेश थैंक यू सो मच इतना मदद करने के पे. और आपको दिखा देता हूँ कि अभी कैसे हमने बना दिया है. तो ये पूरा पूरा इस तरीके से तो काफ़ी बड़ा इनक्लोज़र हो गया. आई मीन आई डोंट नो इसमें कितना दिख रहा है लेकिन आप अगर योगेश वहाँ पर खड़ा होगा तो आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा साइज़ है. तो हाँ ये देखिए इस तरीके से इसका पूरा साइज़ है. और अब ये हमने कुछ इस तरीके से बना दिया कि ये देखिए पूरा इनक्लोज ताकि यहाँ पूरी दिन भर अच्छी नेचुरल लाइट आती है. पेड़ पौधे हैं उसको पूरा आसमान दिखेगा. और प्लस अगर आपको पता ना हो तो इगुआनास को हरदम टॉप में रहना पसंद रहता है. जब भी हाथ में लो या वुडन स्टिक लो या कुछ भी लो तो वो हरदम टॉप में चढ़े रहने की कोशिश करता है. तो इसलिए यहाँ पर वो टॉप में रहेगा और प्लस यहाँ से उसको ऐसे नीचे दिखेगा तो उसको काफ़ी मस्त रहेगा स्ट्रेस नहीं रहेगा. और ये मैंने कुछ इस तरीके से ये बना दिया है और इसके अंदर ये पूरा ये देखिए है. तो अब ये आराम से इसके पास दो इनक्लोज़र हो गए बाहर रहा करेगा आराम से और रात को इसको अंदर कर दिया करूँगा. बाकी चलिए योगेश बाय बोलते हैं सबको. थैंक यू. और हाँ मैंने इसको काफ़ी देर से अपने पकड़ के रखा था. थैंक यू. एंड बाकी ठीक है अब मैं अगले दिन अभी हम थक चुके हैं तो जब इसमें इगुआना या से उनको डालूंगा तब मैं अगले शॉर्ट उसमें डालता हूँ. तब तक के लिए बाय बाय. तो गाइस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ये रहे हमारे चार्ली महाशय यहाँ पे बैठे हुए हैं. तो वो रहा उसका पहला वाला इनक्लोज़र और ये रहे हमारे टर्टल्स. तो चलिए उसके नए इनक्लोज़र में मैंने जो जो चेंजेस कर दिए हैं बाहर वाले वो दिखाता हूँ उसको छोड़ता हूँ एंड देन उसके बाद इन सब टर्टल्स और एरवाना फ्लोरॉन बालकनी कोई पॉन्ड सबसे आपको मिलवाता हूँ. तो चलिए इसको लेके चलते हैं और इसके नए इनक्लोज़र में इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं. सो बाय द वे ये इसका इनक्लोज़र ऑलरेडी है जो अंदर दिन के लिए है एंड देन सॉरी रात के लिए है जिस रात में आके छोड़ देता हूँ उसको. बाकी चलिए अब आ चुके हैं हम अपने बालकनी में. तो ये है जो देखिए आपको दिखा रहा था प्लस बाहर मैंने ये पूरे ऐसे ग्रीनरी पूरी इसमें ऐड कर दी हैं और अंदर मैंने ये देखिए इसके ये स्टिक जो पहले ऊपर पड़ी रहती थी इसको मैंने ऐसे लगा दिया है ताकि आराम से इसके अंदर घूमते रहे. वो कपड़ा इसलिए लगाया है क्योंकि जहाँ पर इसका बेडिंग है ताकि आराम से उसको अगर ज़्यादा धूप नहीं चाहिए और थोड़ा शेड चाहिए तो यहाँ के इसके आके बैठ जाए अदरवाइज़ वो यहाँ बैठा रहता है ऊपर चढ़ जाता है. ये रहा इसका पानी और खाना भी इधर ही रख देता हूँ. तो ये पूरा कुछ इस तरीके से ये देखिए आप कितना बड़ा लग रहा है इसमें. अब मैं इगुआना को डालता हूँ इसमें फिर आपको दिखाता हूँ. तो ये कुछ इस तरीके से पूरा इनक्लोज़र हो गया है इसका. सॉरी गाइस पीछे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने चार्ली को अंदर बैठा दिया है तो हो रहा इसको मैं कुछ इस तरीके से ये देखिए
ये बैठा हुआ है इसके अंदर और इसकी टेल एरी। तो बाय द वे गाइस, मैंने ये चीज़ का ध्यान रखा है कि जो इसकी विड्थ है थोड़ी लंबी रखी, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी अपनी हॉरिजॉन्टली पूरा उसका बॉडी आ जाना चाहिए। तो इनक्लोजर में अगर उसकी बॉडी मोड़ रही है तो उतना फिर ग्रोथ का उसको इशू होता है। तो जब जितना हॉरिजॉन्टली अगर उसकी पूरी बॉडी साइज़ का अगर आप उसको इनक्लोजर स्पेस दे देते हो तो उसके लिए अच्छा है। बाकी आपको ये तो बता दिया था कि मैंने जो नेचुरल लुक देने के लिए ये कुछ हैंग कर दिए हैं सारे इस तरीके से, एंड देन ये वुडन स्टिक लगा दिए जिसमें वो आराम से जाके बैठता है। एंड देन नीचे यहाँ पानी है और इसका गद्दी, और आराम से वो ऊपर भी जाके बैठ जाता है। तो यहाँ से उसको अच्छी खासी पूरी धूप आती है दोनों साइड से, सुबह यहाँ से फिर दोपहर को उस साइड से। एंड और जल्दी से इसका मैं रिकैप कर दूँ, अगर आप ये इनक्लोज़र मैंने अगर बनाया है तो मेरे को सिर्फ ये पड़ा है 500 से 600 रुपए में, और इजीली आपने ये बना लिया, क्योंकि ये नेट और इसके जिप टाइज इसके साथ ही आते हैं जब आप नेट खरीदते हो। एंड ये थोड़ा बहुत अपने बजट के हिसाब से अगर आपको कुछ लगाने हैं डेकोरेटिव आइटम्स तो आप लगा सकते हो, बट 500 से 600 रुपए में ये आपका इनक्लोज़र रेडी हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप अपने बर्ड्स के लिए भी बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो। एंड आई हैड मेड श्योर फ्रॉम इनसाइड कि पूरा अच्छे से टाइट किया है, हर जगह से जिप टाइट किया है ताकि कहीं से एस्केप ना करे, क्योंकि ये निकलने में भी माहिर रहते हैं। तो ये था इसका, ट्राई करता हूँ कि कुछ सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ मैं आपको इसके। अब गाइज, मैंने यहाँ पे आपको इगवाना का इंक्लोज़र दिखा दिया, वो देखिए बैठा हुआ है अंदर आराम से, एंड देन मस्त तरीके से बैठा है। सो आपको इसके प्राइस के बारे में भी बता दिया, आपको 500-600 रुपए में ये आपका इंक्लोज़र रेडी हो जाएगा, आप बर्ड्स के लिए भी बना सकते हो। प्लस आई एम फीलिंग रियली हैप्पी कि वो मस्त अब आराम से बैठा रहता है और अच्छी नेचुरल धूप मिलेगी, वुडन है आराम से उसको चढ़ने के लिए। तो ये था इंक्लोज़र पे वीडियो। तो नाउ अगर आपको अभी मेरे, मैं अब जा रहा हूँ अपने 5 फीट एक्वेरियम में अरवाना फ्लोरोन इन सबको फीड करने के लिए। बाय द वे अरवाना खाने लग गया है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। एंड टर्टल्स को खिलाते हैं बालकनी कोई पॉइंट्स में, उनको खिलाते हैं, चिक्की चिक्कू से आपको मिलवाता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टर्टल पॉन्ड के पास। तो अब बारी है अपने टर्टल्स को खिलाने की। ये रहे हमारे दोनों टर्टल्स, और ये देखिए दोनों, पहले तो रिलैक्स होगा, खाना स्टार्ट करेंगे। तो ये खाते हुए टर्टल्स हमारे, और शार्क भी यही खाती हैं, और ये हमारी वाइट एल्बिनो शार्क। अगेन कैमरे में उतना बड़ा नहीं दिखता है, लेकिन ये अच्छी खासी इनकी साइज है दोनों का, एज एन द शार्क्स का। ये देखिए, आई थिंक इसके पास आएगा तो आपको समझ आ जाएगा, देखिए कितना बड़ा साइज है इसका। तो इन दोनों को खाने देते हैं वो दोनों। तो ये दोनों यहाँ पर हाय बोलते हुए, ये दोनों अब जा रहे हैं कजिन्स के पास, बिकॉज इनका मैं इतना ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ बर्ड्स का। तो मैंने कहा ठीक है, कजिन्स को उनको बहुत पसंद है तो उनको लेके आ जाएंगे, और ये सब मिलके यहाँ पे खाते हुए देखिए दिखा रहे हैं। तो इनको सबको खाने देते हैं, उनको खिलाना है, उनको खिलाता हूँ। और अब इनकी बारी, इसमें हमारे रेड शॉर्ट टेल, न्योन टेट्रास, कलर टेट्रास और कपीस, तो ये सब खाते हुए नीचे से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सब इसमें मस्त रहते हुए। तो चलिए इनको खाने देता हूँ और चलते हैं हम बाहर और अपने 5 फीट एक्वेरियम के पास। बाय द वे गाइस, जो वाला एक्वेरियम है वहाँ पर 3 फीट एक्वेरियम आना है, जो पहले रहता था अंदर, उसका बस अभी स्टैंड नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से वो डिले हो रहा है। जैसे ही इसका स्टैंड आता है तो हम वहाँ पर जल्दी से शिफ्ट करेंगे, ताकि इनको हम यहाँ से बोलते हैं बाय। तो अब हम आ चुके हैं अपने 5 फीट एक्वेरियम के पास, और इसकी भी अभी लाइट बंद करता हूँ फिर इसको फीड करता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन यहाँ पर आता है। बाय द वे गाइस,
एरवाना जैसे कि आपको बता रहा था खाना उसने स्टार्ट कर दिया है एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अभी इसको अगर हम खिला रहे हैं तो उसमें उसके शॉट्स वो आ जाएं। और चलिए लाइट बंद करके अब इसको जल्दी से खिलाते हैं हम लोग। ये तो ये एरवाना के लिए है और ये इनके लिए, दोनों मिक्स खाते हैं वो। तो ये मैंने ले लिया है, दोनों को मिक्स में डालने वाला हूँ। ये देखिए पहली बाइट लेते हुए उसने, काफ़ी किस्मत सही थी आप वो देखिए खाते हुए। तो मैं दिखाना चाहता कि एटलीस्ट आपको एरवाना को खाते हुए दिखा दूँ, तो वो हमें दिख गया, बाकी सब तो ये देखिए खाते हुए। सो एरवाना ने डालते ही पहली बाइट ले ली और काफ़ी खुशी होती है अब इसको खाते हुए देखते हुए। ये देखिए तो खाना उसने स्टार्ट कर दिया, तो मैं भी वरीड था, आप लोग काफ़ी मेरे साथ वरीड थे, बट दे आर डूइंग वेल नाउ और सब ने खाना स्टार्ट कर दिया है और वो अब तो कोई फ़र्क नहीं है, अब तो उसको जहाँ दिखता है वो खाता रहता है। तो सब खाते हुए यस ये देखिए तो दबा के खा रहा है, वो रही हमारी फ्लोरोन जो मस्त होके खा रही है। एंड देन दिस इज़ आर येलो पैरेट, येलो फ्लोरोन, ब्लू सिकलेट, फाइव कलर सिकलेट, तो सब। एंड देन दिस इज जंबो पैरेट, सो ये कुछ इस तरीके से खाते हुए आप देख सक रहे हैं। इसकी लाइट चेंज करके भी आपको थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ मैं। तो सबसे फेवरेट लाइट मुझे ये लगती है क्योंकि इनमें इनका कुछ अलग ही सॉर्ट ऑफ फ्लोरोन का कलर बड़ा सही आता है। और एरवाना भी देखिए कितनी मस्त लगती है, ये देखें ये पूरा ये है हमारा 5 feet एक्वेरियम। सो सब ये रही जो नीचे अपनी सफाई करती रहती हैं। चलिए अब चलते हैं बालकनी पॉन्ड और कोई फिशेस को खिलाते हैं, इनको खाने देते हैं। तो चलिए अब बारी है हमारी कोई फिशेस की एंड ये रहे इनको, सबको पता लग गया है कि खाना आने वाला है। तो ये देखिए गाइस मस्त खाते हुए, ये रहा ये देखिए मस्त। अब मुझे पता नहीं, खुद सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ विद दिस फिल्ट्रेशन इन दिस एरिया कि काफ़ी फूल अब प्यारे से आते हैं, ऐसे नेचुरल पानी गिर रहा है एंड देन ये मछलियाँ ऐसे आराम से आते हुए और सब पर खाते हुए। तो गाइज ये था वीडियो हमारे इगुआना इनक्लोजर में, प्लस आपने पूरे मेरे कलेक्शन देखी 5 feet एक्वेरियम जिसमें एरवाना, फ्लोरोन और इसमें भी कुछ और एग्जोटिक फिश लाइक रेड फायर ऑस्कर होती है और कुछ कुछ स्टिंग रे प्लान किया है, लेकिन नॉट सून, बट यस कुछ और इसमें अच्छी वाली फिशेज ऐड करेंगे। टर्टल पॉन्ड आपने देख लिया है एंड देन वो जो अंदर वाला रेड शॉर्ट टेल उसको हमको चेंज करना है 3 feet एक्वेरियम में। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट और भी देखना है, अगर ऐसी चीज़ें देखना आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आपके लिए फ्री है बट मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। तो अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर सो मच लव एंड सपोर्ट, आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एंड बाय द वे नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्ली होगा कि मैं पेट गाला जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे कैट्स और डॉग्स आ रहे हैं पेट गाला, तो वहाँ पर जाके मस्ती करेंगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और बीइंग अ हॉबिस्ट मैं वीकली 2 videos डालता रहता हूँ, तो अगर आपको ऐसा कंटेंट देखते रहना है तो सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। बाकी आसपास अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय।